नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मडोशिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे वार्ड बॉय एक्सपीरियंस यानी वार्ड बॉय अनुभव के बारे में। आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, चाहे विदेश हो चाहे इंडिया, तो उसमें अनुभव की ज़रूरी होती है या नहीं, तो यानी अनुभव प्रमाण पत्र उनके पास होना आवश्यक है या नहीं। वैसे देखिए, वार्ड बॉय की जो वैकेंसी होती है, आप वार्ड बॉय के लिए आप जॉब करते हैं तो उसमें वैसे अनुभव है तो बहुत बेटर है। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई भी यदि मान लो बंदा यदि डिपार्टमेंटली यदि जाते हैं जॉब के लिए तो उनके पास ऑलरेडी अनुभव होता नहीं, जैसे वो काम करेंगे तो उनको अनुभव ऑटोमेटिक उनको प्राप्त हो जाएगा, उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र उनको मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपके पास वार्ड बॉय हॉस्पिटल के लिए यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आप डायरेक्ट आप जॉब कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, उसमें वार्ड बॉय जो होते हैं आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। वार्ड बॉय का ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं होता है, जैसे 10th 12th या ग्रेजुएशन यदि आप पास है तो आप डायरेक्ट वार्ड बॉय के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब के लिए आप फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, इंडिया में भी आप हॉस्पिटल है आप डायरेक्ट ऑनलाइन आप एडमिट जो आपका है आप एडमिशन करवा सकते हैं आपका जॉब अपॉइंटमेंट के लिए। और यदि आप विदेशों में जाते हैं तो आप इंटरव्यू के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली में या मुंबई में जो वैकेंसी आती है जो जॉब के लिए जो विदेशों में, तो आप वहाँ पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और बेसिकली जो वार्ड बॉय का जो काम होता है, हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट होता है, हॉस्पिटल जो डिपार्टमेंट होता है उसको व्यवस्थित रूप से उनको आप सही रूप से उनको संगठित रूप से आपको उनको सही करना, यानी वार्ड बॉय का मुख्य कार्य क्या होता है। यदि आपको एक वार्ड दे दिया जाएगा, उस वार्ड में जैसे मरीज़ है पेशेंट है उनकी जो बेड होता है उनकी जो बेडशीट होती है यानी उनकी जो चादरें होती हैं उनको बदलना होता है, और मेन जो वार्ड बॉय होता है ये जो कंपाउंड होते हैं नर्स होते हैं उनका असिस्टेंट होता है वार्ड बॉय, मतलब जो नर्स होते हैं नर्स का असिस्टेंट होता है वार्ड बॉय, तो वो जो कहता है उस अकॉर्डिंग आप उनका काम कर सकते हैं। जैसे चादरें हैं बिछाना, यदि हॉस्पिटल में कहीं पर गंदगी है तो वो जो हाउसकीपिंग होता है हाउसकीपिंग को कहकर आप उनका वो आपका हॉस्पिटल में उनको व्यवस्थित रूप से उनको सही करवाना है, गंदगी है तो उनको उठवाना, ये जो हाउसकीपिंग का काम होता है तो वो कर लेते हैं वार्ड बॉय के कहने पर। और आप जैसे मान लो कि जो आपका जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर एक रिसेप्शन होता है, मेडिकल जो स्टोर होता है वहाँ से पेशेंट के लिए मेडिसिन अवेलेबल करवाना, और यदि कोई पेशेंट इमरजेंसी में यदि आ जाता है तो उस जो पेशेंट को मतलब एडमिट करवाना, मतलब जो जनरल वार्ड होता है ICU CCU होता है वहाँ पर उनको एडमिट करवाना, ये भी वार्ड बॉय का काम होता है। वार्ड बॉय के पास में वैसे एक चेयर होती है, उस चेयर पर बिठा कर पेशेंट को बेड तक ले जाया जाता है तो वहाँ पर उनको एडमिट करा दिया जाता है, ड्रिप वगैरह वो भी कंपाउंडर को कहकर उनको चढ़वाई जाती है। तो ये जो मेन काम होता है कंपाउंडर का असिस्टेंट होता है, तो ये वार्ड बॉय के नॉर्मल काम है। और आपके पास यदि एक्सपीरियंस नहीं है अनुभव नहीं है तो भी आप डायरेक्ट वार्ड बॉय के लिए आप काम कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वार्ड बॉय से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट जरूर करें। और मैं हूँ आपका दोस्त नवरत्न मडोशिया। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।